हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ इश्क सॉन्ग पे, और इसको गाया है सरमद कादिर ने और इसमें अलिशबा अंजुम है। लास्ट टाइम इनके साथ जन्नत मिर्जा थी, तो अभी उनकी सिस्टर अलिशबा अंजुम है। एंड ये सॉन्ग है 12 रिकॉर्ड्स के तरफ से, ओरिजिनल लिंक टॉप ऑफ द डिस्क्रिप्शन में होगा। लेट्स चेक इट आउट। 12 रिकॉर्ड्स पीके शावीर का दोस्त। यह कादी आजम लाइब्रेरी, लाहौर की सबसे मशहूर लाइब्रेरी। आपके पास है कुछ कराची में ऐसा? हमारे पास मज़ारे कायद है यार। कायदी आजम यहाँ पर बैठ के पढ़ा करते थे। इस हिसाब से लामा इकबाल एयरपोर्ट के बारे में तुम क्या कहोगे? खैर, शाम को बस भी है और मूवी भी देखने जाना है अभी, तो अंदर चल के देखते हैं क्या हो सकता है। मेरी बस एक पिक्चर ले लेना। कराची और लाहौर का कॉम्पिटिशन कभी ख़त्म नहीं होने वाला। लेकिन वैसे अभी मैं नोटिस कर रहा हूँ कि पीके का नाम वैसे भी इसमें लिखा हुआ था टाइटल में, मैं इतना सरप्राइज क्यों था पता नहीं। मतलब ये रोमांस करने वाला है इसके साथ? तेरा सुबह की तरह ये झुकती नजर हो जैसे हया, ये बातें तेरी सुभान अल्लाह। तू इल्म सी है मैं तालिब हूँ, तू शायरी है मैं गालिब हूँ, तू मौसम है मैं बारिश हूँ, तू अर्जी मैं सिफारिश हूँ। ये सांस तेरी बहकती हुई महकती हुई सबा की तरह, ये होंठ तेरे गुलाब खिले, इन खरादा करूं क्या बयां। तू शम्मा सी मैं परवाना, तू जान है तो मैं मेहखाना, तू इश्क सी है मैं दीवाना, तू मैं मस्ताना। इतने जल्दी लेकिन जन्नत मिर्जा को भूल गया यार ये शायर। मैं तो जन्नत मिर्जा के पीछे पागल था। आ तुझे दिल में मेरे कैद मैं यूं कर लूं, धड़कनों को भी तेरे पास आने न मैं दूं, इन आँखों ये सिर्फ मूवीज में होता है, रियलिटी में तो कभी ऐसा लक हमारा चमकता नहीं। इश्क हसाए कभी इश्क रुलाए, ये इश्क क्या चाहे कोई तो समझ आए, हाय इश्क हसाए कभी इश्क रुलाए, ये इश्क क्या चाहे कोई तो समझ आए, हाय इश्क हसाए कभी इश्क रुलाए, ये इश्क क्या चाहे कोई तो समझ आए, हाय इनकार किसी लज्जत इकरार में कहां गालिब, बढ़ता है शौक उनकी नहीं नहीं से। जी कुछ कहा आपने? जी नहीं, ये बुक में लिखा हुआ है। कौन सी बुक? जी ये शायर लिखा हुआ था बुक के ऊपर। हाँ, तो या मैं ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकता सरमद कादिर को, क्योंकि मैं भी हर टाइम नए नए टिकटॉक स्टार्स को देखता हूँ और फिदा हो जाता हूँ। तो
सरमात कादिर भी बिल्कुल मेरी तरह है। इसमें ये सिस्टर पसंद आ गई और दूसरे इसमें दूसरी सिस्टर पसंद आ गई, तो सरमात कादिर हमारी दोस्ती बहुत अच्छे से जमेगी। कांटेक्ट करना पड़ेगा अभी इंस्टाग्राम पे उनको। तो यह सॉन्ग बहुत ही मेलोडियस, इनका आवाज़ बहुत ही ऐसा सॉफ्ट है, लेकिन आई थिंक स्टिल मुझे शायर सॉन्ग ज़्यादा पसंद आया इससे। दिस इज़ ऑल्सो अमेजिंग, लेकिन शायर आई थिंक इंडिया में भी बहुत बड़ा हिट हुआ था शायर, क्योंकि मैं अभी भी इंस्टाग्राम रील्स पे सब स्क्रॉल करते करते काफ़ी इंडियन इंस्टाग्रामर्स भी यूज़ करते हैं शायर सॉन्ग। ये उतना बड़ा हिट होगा क्या पता नहीं, बट आई स्टिल लव्ड इट एंड अच्छा सुनने के लिए। आई विल डेफिनेटली एन्जॉय लिसनिंग टू इट अगेन एंड अगेन, और मैं एडिट करते हुए वापस एक दो बार तो सुन ही लूँगा। तो या आई लव्ड इट, लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट्स में बताओ आप लोग एग्री करते हो या नहीं। मुझे शायर ज़्यादा पसंद है, आप लोग बताओ कि शायर पसंद आया या इश्क ज़्यादा पसंद आया। एनी वेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।